नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली क्लास में मैंने मीडियन क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था तथा मीडियन को इंडिविजुअल सीरीज में किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज मैं आपको मीडियन अर्थात माध्यिका को डिस्क्रीट सीरीज तथा कंटिन्यूस सीरीज में किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग मीडियन को डिस्क्रीट सीरीज में किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब सबसे पहली बार डिस्क्रीट सीरीज होती क्या है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या है आपके, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये डाटा है जिसमें क्या है इनकम बता रखी है, जैसे इनकम 80 रुपए कितने लोगों की होती है, नंबर ऑफ पर्सन से हमने बता दिया 16 लोगों की होती है, यानी क्या है इसमें ये तो एक्स है और ये उसकी बारंबारता है जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये एक्स और ये एफ इसी प्रकार से यहाँ 100 है तो यहाँ पे 24 है। तो हमने देखा इसमें कि एक्स के साथ साथ में उसकी बारंबारता भी दी हुई है, इसको डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में माध्यिका निकालने के लिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो डाटा है, फ्रीक्वेंसी वाले जो डाटा है उससे हम सबसे पहले क्या करते हैं क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं अर्थात संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये जो 16 है उसको हमने ऐसे कैसे लिख दिया, फिर 16 से को साथ में जोड़ा क्या 24, तो 16 को ऐसे लिखा, फिर 16 के बाद में इसमें 24 जोड़ा और ये 40 आ गए इसमें लिख दिया, यानी 16 को ऐसे कैसे 16 में 24 जोड़े 40 आ गए, 40 में फिर 26 जोड़े 66 आ गए, फिर 66 में 30 जोड़े 96 आ गए, 96 में 20 जोड़े और 116, यानी क्या कि हमने इसको ऐसे कैसे रखा, फिर इसमें ये जो अगला जोड़ा यहाँ लिख दिया, उससे अगला जोड़ा यहाँ लिख दिया, इससे अगला जोड़ा यहाँ लिख दिया, इस प्रकार से हम आगे से आगे जोड़ते हुए चले गए। तो इसका ये हमने क्या किया क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दिया सबसे पहली बात, और साथ में क्या किया हमने जो ये फ्रीक्वेंसी है ना उसको भी टोटल कर लिया, जिसको हम समेशन एफ कहते हैं या हम कहते हैं एन, इसका भी हमने टोटल कर दिया, ये 122 आ गया। यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल दोनों बराबर होने चाहिए। अब हमने वही फॉर्मूले में मान रखा है एम इक्वल्स टू साइज ऑफ एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो एन क्या है आपका 122 है, प्लस 1 123 हो गया, 123 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ गया 61.5। अब 61.5 को आपको क्या करना है इस क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में हमको देखना है। तो 61.5 कहाँ होगा, ये है 16 तक, यहाँ पे 40 तक और ये है आपका 66 तक, यानी 61.5 कहाँ पे निहित होगा 66 वाली जो आपकी मीडियन क्लास है उसमें ये निहित होगा, यानी 61.5 कहाँ होगा 66 वाले क्लास में निहित होगा। इसका मतलब क्या है ये वाले जो क्लास है ये क्या है इसकी मीडियन क्लास है और 150 क्या है इसका मीडियन है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर आपने क्या किया फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दिया, फ्रीक्वेंसी का टोटल करे बाद में आपने क्या किया ये फॉर्मूला लगाया और इस फॉर्मूले के अंदर जो मान आया उसको हमने क्या किया क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में हमने उसको देख लिया भी किस जगह होगा और जो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स था वही उसकी मीडियन हो गया, वही उसकी माध्यिका हो गई। यानी क्या है 150 जो इनकम है ना वो ऐसी है जिसमें आधे तो उससे कम है और आधे उससे ज्यादा है। आधे तो ये क्या कर रही है ये मीडियन निकाल रही है, मीडियन क्या कर रहा है बेसिकली इस सीरीज को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है और दो हिस्से कौन से, आधे उससे ज्यादा और आधे उससे कम। तो इस प्रकार से हम डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन को निकाल सकते हैं। अब अगला पार्ट है इसमें मीडियन को कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकाला जाता है, यानी सतत सारणी में किस प्रकार से निकाला जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग बेसिकली सबसे पहले तो क्या करते हैं अगेन वही क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला और फिर क्या किया हमने क्लास इंटरवल निकाला कैसे n बाई टू से,
एन बाई टू वाला निकाल लगाया हमने और क्लास इंटरवल निकाल लिया जिसमें कि आपकी मीडियन वैल्यू निहित है, जिससे जैसे हमने पिछले क्लास में किया था। और फिर हमने फॉर्मूला लगाया एम इक्वल्स टू एल वन प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है बेसिकली, एल वन क्या है, इसकी लोअर लिमिट है, किसकी, कौन सी क्लास की, जिसमें कि आपकी 12, जिसमें कि आपकी जो मीडियन है वो निहित हो सकती है। ठीक है, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, जिसको हमने कहा समेशन एफ। सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ क्लास इंटरवल इन विच फ्रिक्वेंसी लाइज। सी एफ क्या, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी संचय बारंबारता कौन सी क्लास की, जिस क्लास में आपकी मीडियन निहित है उससे ठीक पहले वाले क्लास की संचयी बारंबारता है। एफ क्या है, उसकी बारंबारता है जिसमें कि आपकी मीडियन निहित है। और आई क्या है, उसका क्लास इंटरवल यानी उसके अंदर वर्ग सीमा, उन दोनों क्लास में लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में कितना क्लास इंटरवल है यानी कितनी उसकी सीमा है, वो आई है। क्या है, अब अपन आगे देखते हैं। बेसिकली ये एक डाटा है, ये डाटा क्या है, वेजेस है, वेजेस रेट है किसकी, आपके नंबर ऑफ वर्कर्स की। ये बेसिकली लेस देन में दिया हुआ है। ठीक है, इस लेस देन को हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम सिंपल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। यानी क्या है, इसमें 10 से कम जो है वेज वो कितने वर्कर्स की है, 15 वर्कर्स की। 20 से कम है वो 35 वर्कर की है। 30 से कम है वो 60 वर्कर की है। 40 से कम है 84 वर्कर की। अब इसको बड़ा ध्यान से देखो आप, बेसिकली क्या है, 10 से कम वर्कर, 10 से कम जो रेट है वो कितने वर्कर की, 15 वर्कर की। यानी 10 से कम क्या है, 0 से लेकर के 10 हो गया। ठीक है, अब इसमें 20 से कम, 20 से कम वाले में क्या है, 10 वाले भी निहित है, 10 वाले भी प्रेजेंट है और साथ में 20 वाले भी प्रेजेंट है। यानी क्या हो गया, ये क्या है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाले डाटा है। यार ये क्या है, 20 से कम यानी 10, 20 से कम यानी 0 से 20 तक है। यानी क्या हुआ, इसमें इसमें क्या है निहित आ गया आपका, ये 15 भी निहित आ गया और जो 20 से जो 10 और 20 के बीच का जो गैप था, जो जितने ना जो नंबर ऑफ वर्कर्स थे वो भी इसमें निहित हो गए। तो इससे हमको क्या करना, सबसे पहले तो सिंपल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेट करना है सबसे पहले तो। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है और ये आपका लेस देन वाले डाटा है। अब क्या किया हमने, जैसे मैंने बताया आपको कि 10 से कम वाला है, इसका मतलब 0 से 10 है, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 थी, यहां पे भी हमने फ्रीक्वेंसी भी 15 लिख दी। 10 से 20 जो है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 35 है, 35 है। 35 के अंदर हमने क्या किया, 15 को माइनस किया तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी आ गई, यानी 10 से 20 वाले, 10 से 20 वाले आ गई 20। ठीक है, 20 से 30 वाले में अगेन 60 आ गया, तो 60 में क्या करना है आपको, 35 माइनस करना है, कौन सा, ये वाला, तो इसमें 25 आ गए। ठीक है, फिर 30 से 40 हो गया, 84 है, 84 में क्या आ गया आपने, ये 60 माइनस कर दिया तो 24 आ गए। 40 से 50 है आपका 96, 96 में क्या किया आपने, 84 माइनस कर दिया तो इसकी फ्रिक्वेंसी आ गई। इस प्रकार से हम आगे से आगे जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दे रखी है उससे उसकी फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। कैसे, उससे ठीक क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को अपन क्या करेंगे, उससे माइनस कर देंगे और इस प्रकार से उस जो क्लास है उसकी है ना जो हमको फ्रिक्वेंसी मिल गई। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूले में मान रख दिया अपने, सबसे पहले क्या किया हमने, एन बाई टू से निकाला, तो एन बाई टू क्या है, एन क्या है इसमें 250 है, 250 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 125 आ गया। अब 125 किस में है आपका, ये 127 वाले में है। तो ये क्लास कौन सी होगी आपकी, ये वाले 50 से 60 वाले जो क्लास हो गई, ये आपकी मॉडल क्लास हो गई, सॉरी मीडियन क्लास हो गई। ये जो क्लास है कौन सी क्लास हो गई आपकी, मीडियन क्लास हो गई। मीडियन क्लास यानी जिसमें कि माध्यिका निहित है। अब हमने क्या किया, फॉर्मूले में मान रखा, जैसे मैंने बताया था आपको L1 क्या है, इसकी लोअर लिमिट। ठीक है, CF क्या है, इससे ठीक पहले वाले जो क्लास है
उसकी क्यूम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे एफ क्या आपकी इसी क्लास की फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और क्लास इंटरवल आपका 50 से 60 के बीच का डिफरेंस जो है वो 10 आ गया, ठीक है। तो L1 आपने लिख दिया 50, n बटा वो 2 में कोई दिक्कत है ही नहीं, 250 बटा वो 2 हो गया। CF क्या आपकी इससे ठीक प्रिसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो ये आ गया आपकी 96। 31 है आपकी इसकी फ्रिक्वेंसी, ये आ गई, और 10 है इनके बीच का दोनों का वर्ग अंतराल, वो आ गया। फॉर्मूले मान रखा 50 प्लस ये आ गया आपका 29 डिवाइडेड बाय 31, इसके अंदर से और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह आ गया इसका आंसर 59.32। इसको यदि अपन ने कैलकुलेट किया तो 59.32 आ गया। अर्थात क्या हुआ, हमने क्या किया, इस वाले एग्जाम्पल से दोनों चीजें देख ली, एक तो कंटिन्यूस सीरीज में कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, और एक लेस देन वाले जो यदि मान लो आपको ना जो टेबल आ जाए तो उसमें किस प्रकार से मीडियन को कैलकुलेट किया जाता है। लेस देन वाले को सबसे पहले आपको ना जो सिंपल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करने के बाद में आपको सेम यही फॉर्मूला लगा करके और उससे हम क्या कर सकते हैं, मीडियन को निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब मैं आगे लेता हूँ कि आगे और कौन कौन सी ऐसी है ना जो कंटिन्यू सीरीज वाली क्लासेस है जिसमें कि हम मीडियन निकाल सकते हैं। अगली आपकी इंक्लूसिव, इनमें इंक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज में क्या है, बेसिकली आपकी लोअर लिमिट तथा अपर लिमिट दोनों उसमें निहित होती है। यहां पे देख लीजिए आप, इसमें लोअर लिमिट ये अपर लिमिट दोनों के दोनों निहित इसमें है, ठीक है। अब क्या किया हमने, सबसे पहले तो इसको सीधे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसको क्या किया हमने, सबसे पहले तो ये आप देखिए कि ये कैसी थी, अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग, जैसे आपने देखा 11 से 15 है ना, यहाँ क्या है 16 से 20 था, इसके बीच में डिफरेंस कितना है, एक का डिफरेंस है, एक को दो से डिवाइड किया, दो से डिवाइड करने के बाद में जो आया उसमें क्या किया, इसमें तो जोड़ दिया और इसमें से इसको घटा दिया, तो क्या हुआ आपने लोअर लिमिट में से तो आपने क्या किया घटा दिया और अपर लिमिट में उसको जोड़ दिया, यानी 11 में से 0.5 घटाया तो कितना आ गया 10.5 और 15 में जोड़ा तो क्या आ गया 15.5। तो ये देखिए 10.5 से 15.5, अब अगला क्या आ गया 15.5 से 20.5, 20.5 से 25.5 और ये आपके आगे फ्रिक्वेंसी आ गई, ठीक है। अब क्या किया आपने, अगेन वही n निकाल दिया, समेशन f किया, उससे n निकल गया, ठीक है, और इसकी क्यूम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बना दिया आपने, 7 रखा, 7 में 10 जोड़ा 17 हो गया, 17 में ना 13 जोड़ा 30 हो गया, 30 में 26 जोड़ा 56 हो गया, 56 में 35 जोड़ा 91 हो गया, और इस प्रकार से हमने क्या किया इसकी क्यूम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल दी। अब क्या हुआ 129 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ गया 64.5 आ गया। अब 64.5 कहाँ हो सकता है आपका, इस 91 वाले में हो सकता है, यानी क्या आ गया आपकी ये क्लास इंटरवल कौन सा आ गया आपका, मीडियन क्लास आ गई, यानी ये क्लास इंटरवल ऐसा है जिसमें कि आपकी माध्यिका निहित है, ठीक है। अब आपने ये सी एफ रखा जो प्रिसीडिंग क्लास का था, जिस जैसे हमने पिछली बार बताया L1 इसकी लोअर लिमिट है, ये इसके फ्रिक्वेंसी है उसी क्लास की फ्रिक्वेंसी है और ये आपका n है 129 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, सबसे पहले तो जो इंक्लूसिव सीरीज था उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट किया, फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखा, फिर उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली, फ्रिक्वेंसी का टोटल किया, n बाय 2 से ना जो मान निकाल लिया मीडियन क्लास का, मीडियन क्लास को करके और फिर आपने CF निकाल देखा F कौन सा है, L1 कौन सा है, और फिर आपने क्या किया उसका फॉर्मूले में मान रख दिया, ये देखिए आप है ना। तो ये तो क्या किया आपने, साइज ऑफ 129 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ गया 64.5 से आपने क्या किया मीडियन क्लास निकाल दी, ये है ना जो आप डिफरेंट जो वैल्यूज थी उसका मान रखा और इसका आंसर आ गया 31.7, यानी 31.7 ऐसा है कि जो कि इस सीरीज को
दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट कौन से, आधे जो कि है ना जो उससे कम है और आधे हैं जो उससे ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम इंक्लूसिव सीरीज में किस प्रकार से मीडियन निकाल सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब ये देखिए आप, ये ऐसे सीरीज है जिसमें कि अनइक्वल क्लास इंटरवल है, यानी क्या है, क्लास इंटरवल जो है वो अनइक्वल है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 0 से 5 है, यहाँ पे कितने का गैप है, 5 का, 5 से 10 है, यहाँ पे भी 5 का, लेकिन यहाँ देखिए 10 से 20 है तो 10 का गैप हो गया। यहाँ पे क्या था, 5-5 का था, यहाँ पे 10 का गैप हो गया। अगेन यहाँ पे 20 का गैप हो गया, ठीक है, अगेन 20 का, यहाँ पे 30 का गैप हो गया, ठीक है। इस वाले केस में हमें कुछ भी नहीं करना है, सेम वही तरीका आपका, सबसे पहले समेशन एफ निकाल दिया जो कि एन है आपका, ठीक है, फिर आपने क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दिया, इसके अंदर दो से डिवाइड किया, और दो से डिवाइड करने के बाद में आपने क्या किया, मीडियन क्लास निकाल दिया। दो से डिवाइड करने में क्या आ गया, इसका 78 आ गया, 78 किस में निहित है, इस 92 वाले में निहित है, तो इससे ठीक पहले वाले क्लास की क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी ये हो गई, इसका L1 ये 20 हो गया, इसको है ना जो हमने फॉर्मूले में पुट अप रख दिया इनका मान, और आंसर आ गया इसका 26.5। अर्थात क्या हुआ कि आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल वाले में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सबसे पहले मीडियन क्लास का निर्धारण करना है। मीडियन क्लास का निर्धारण करने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना है, समेशन एफ करना है। समेशन एफ क्या हो गया, आपका एन आ गया, एन बटा और दो से डिवाइड करके, और आपको मीडियन क्लास निकालनी है, फिर आपको सी एफ देखनी है, एफ क्या है आपका, एल वन क्या है, उनका क्लास इंटरवल क्या है, और उस प्रकार से हमको फॉर्मूले में मान रख करके और मीडियन का निर्धारण करना है, मीडियन को निकालना है। तो आज के लिए इतना ही। आपको जो मैंने अभी एग्जांपल बताए उसके आधार पर आपको अपनी जो प्रैक्टिकल की जो कॉपी है उसमें आपको ये करना है, इनमें एक एक दो दो एग्जांपल आप हर जो सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट है और कंटिन्यूस सीरीज है, उनके एग्जांपल आपको करने हैं। धन्यवाद।